राजमाता जिजाऊ तथा स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर हाल ही में स्थानीय सरकारी ग्रामीण अस्पताल में नारी शक्ति ग्रुप की ओर से नवजात शिशुओं को जन्म देने वाली माताओं को शिशु किट देकर उनका सत्कार किया गया है। इस मौके पर जिजाऊ ब्रिगेड की महिलाएं, पदाधिकारी और सदस्यगण उपस्थित थे। 12 जनवरी को दिग्रह शहर में राजमाता जिजाऊ और स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के औचित्य पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में 13 जनवरी को भी स्थानीय ग्रामीण अस्पताल में नारी शक्ति ग्रुप की ओर से नवजात शिशुओं की माताओं को शिशु किट का वितरण कर उनका सत्कार किया गया। नारी शक्ति ग्रुप की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत जीजा माता और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पूजन से की गई। इस मौके पर जिजाऊ ब्रिगेड की महिला पदाधिकारी और सदस्यों ने हिस्सा लेकर अपना सामाजिक दायित्व निभाया। बनू शकतात म्हणून त्यांना जन्माला येऊ द्या। हा जो आजचा प्रोग्राम आहे तो 12 जानेवारीला ज्या कन्या जन्मल्या त्यांना समजा किट मुलांची पौष्टिक खाद्य असं आम्ही दिलं आहे आणि 12 जानेवारीला जे मुलं जन्मले त्यांच्यासाठी स्वामी विवेकानंद जयंती निमित्त आम्ही त्यांना सुद्धा किट दिली आहे आणि पौष्टिक खाद्य। इस मौके पर जिजाऊ ब्रिगेड की प्राध्यापिका अर्पणा पाटिल, राजश्री देशमुख, सीमा शिंदे, वैशाली कोल्हे, पुष्पा देशमुख, SB तुपोने, SS माइंदे, SK बोराडे, GD चौहान, महादेव निगोट, वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर हर्षल जाधव आदि सहित नर्स स्टाफ, हेल्पर मायाताई और आर्थिक विकास मंडल की कर्मचारी, व्यवस्थापक माला सरकटे आदि उपस्थित थे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए नारी शक्ति ग्रुप की अध्यक्ष वर्षा निगोट, मंजूश्री इंगले, शीतल जायसवाल, भाग्यश्री शिंदे, अर्चना राठौड़, सपना ठाकरे, पंचफूला तायडे, माला लोखंडे, सीमा महिंद्रे, ऋतुषा गाड़े आदि ने योगदान दिया। वही कार्यक्रम का संचालन ऋतुषा गाड़े और आभार प्रदर्शन वर्षा निगोट ने किया। BCN न्यूज के लिए जुबेर खान की रिपोर्ट।